ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सटीक पति वशीकरण का मंत्र जो कि एक ही बार में आपके पति को आपके वश में कर देगा। ये इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। लाखों लोगों पर आजमाने के बाद ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। इसका प्रयोग कीजिए और इसके बाद देखिए किस तरह से आपके पति जो हैं वो हफ्ते भीतर आपके गुलाम बन के रह जाएंगे। छोटे से छोटा काम भी वो आपसे पूछ कर करेंगे। कई लोगों की ये भी शंका होती है कि गुरुजी कहीं उनका कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस ऐसा करने से कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, ये जो मंत्र है ये बिल्कुल सेफ है। इसे एक बार कीजिए और उम्र भर के लिए इसका असर जो है वो आपको मिलता रहेगा। यदि कभी आपको ऐसा लगे कि असर थोड़ा कम हो रहा है तो पूर्णिमा के दिन इस मंत्र को एक बार फिर से कर दीजिए। तो ये मंत्र अपना जो प्रभाव है वो आपको दिखाता रहेगा। इस मंत्र को पूर्णिमा, होली, दिवाली, ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या किसी ऐसे अवसर पर सिद्ध किया जाता है जब कोई शुभ मुहूर्त हो, और उसमें इसको सिद्ध करके बस 7 बार किसी भी खाने पीने की चीज़ में मिलाकर दे दीजिए तो ये सटीक काम करेगा। जब भी कभी ऐसा मौका मिले जब आप कुछ खाने को दे सकें तो उस पर अभिमंत्रित कर दीजिए। एक बार अभिमंत्रित कीजिए और फिर देखिए किस तरह से ये जन्म जन्मांतर तक उन पर लगा रहेगा। तो बहुत सी क्वेरीज आती हैं, बहुत सी ऐसी मेल्स आते हैं जिनमें कि पूछते हैं कि गुरु जी बहुत सालों से परेशान हैं, कुछ भी लग नहीं रहा, कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो मेरे पति हैं वो मेरा कहना माने और मेरे कहने में रहें। तो इस तरह की परेशानी की दिक्कत के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र से जो भी साध्य होगा उस पर आपका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। आप जो कहेंगे वो वही करेगा। आपको बस इस मंत्र की साधना कर लेनी है। साधना करने के तुरंत बाद आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सटीक मंत्र है, मेरे गिने चुने मंत्रों में से है। और ये जो मंत्र है ये मेरी डायरी से मैं आपको दे रहा हूँ, और बहुत ही विरले ही कोई ऐसा मंत्र होता है जो मैं आपको देता हूँ अपनी डायरी से, क्योंकि उसमें जो भी मंत्र लिखा हुआ है वो सारे का सारा सिद्ध है। वो ऐसे मंत्र होते हैं जो कि बहुत रिसर्च हुआ है उन पर, और उसके बाद वो जो मंत्र हैं वो मैं संजोता हूँ अपनी डायरी में। तो मेरी डायरी में सिर्फ वही मंत्र होते हैं जो कि सटीक काम करते हैं, एक बार लगाने से लग जाते हैं। तो जो भी चाहता है कि वो इस विज्ञान को समझे, इन मंत्रों की शक्ति जानना चाहता है तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है और काफ़ी लोगों ने इससे लाभ पाया है। लगभग 15 साल से ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, और जिसने ये किया है ये मंत्र उनके लिए सटीक काम करता है। बस ज़रूरत है तो थोड़े से विश्वास की और थोड़े से धैर्य की, और ये मंत्र आपके लिए सटीक साबित होगा। आपको करना क्या है कि जैसे आज के दिन आप कर सकते हैं, इस मंत्र का 1008 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जब भी कभी आपको अवसर मिले, सुअवसर ऐसा मिले जबकि किसी खाने में आप इस मंत्र को अभिमंत्रित कर सकें, तो आप एक बार अभिमंत्रित करके उनको दे दीजिए। जैसे ही वो पहला ग्रास खाएंगे उसी क्षण से वो आपके वशीभूत हो जाएंगे। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि पहले ही घंटे से असर दिखाना शुरू कर देता है ये मंत्र। बहुत सी ऐसी क्वेरीज आई हैं जिनमें कि इस तरह की मुझे मेल्स मिली हैं, कॉल्स आए हैं, और देखते ही देखते ये असर करना शुरू कर देता है। तो आइए मंत्र सुन लीजिए। मंत्र अगर सटीक नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेगा। आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से इस मंत्र का उच्चारण करना है। यदि ज़रा सी भी त्रुटि यहाँ पर हो गई तो फिर इस मंत्र को कोई भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे आप बोलते हैं उसका गुम्फन जैसा होना चाहिए। यदि मंत्र का गुम्फन सही ना हो तो वो काम नहीं करते। तो सबसे ज़रूरी है कि आप मंत्र को बोलना सीखें। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिनका काम नहीं बनता क्योंकि
फिर मैंने देखा, उनका पैटर्न समझा, तो वहाँ पर क्या था कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे मंत्र, और मुझे आगे कह रहे हैं कि गुरुजी काम नहीं हो रहा। तो काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो जो विद्या है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले है कि आप इसको बोलना सीखें। तो सबसे पहले आप मंत्र पर मास्टरी कीजिएगा। मंत्र आपको दे देता हूँ। मंत्र है ओम लकीम लकीम, साथी का नाम। यहाँ पर आपको अपने प्रेमी, अपने साथी का नाम लेना है, जिसको भी आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं उनका नाम लेना है। आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। तो ये मंत्र है, इसकी आप आहुतियाँ भी दे सकते हैं, यज्ञ रख सकते हैं छोटा सा, या फिर यज्ञ ना करना हो तो आप सिर्फ मंत्र बोलिए, मानसिक जाप कीजिए, और जब ये जाप करें तो आपके आसपास कोई ना हो, इस मंत्र का जाप करते रहिए। और गुम्फन होना चाहिए, ये नहीं है कि मंत्र बोल रहे हो तो कोई सुन नहीं पा रहा है, ऐसा गुम्फन होना चाहिए कि किसी को सुनाई ना दे, लेकिन ये इसका गुम्फन आप तक ही रहे। इस तरह से इसका अगर जाप कर लेते हैं, और 1008 की संख्या में एक दिन में आपको करना है, सिर्फ एक दिन, या तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दिवाली, इस पर आपको करना है। ये कीजिएगा तो इसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद आप किसी को भी, किसी भी खाने पीने की चीज़ में मिलाकर अभिमंत्रित करके ये दे सकते हैं। उसके बाद जो भी साध्य होगा वो पहले ही दिन से आपकी माला जपनी शुरू कर देगा। मेरे पास कई केसेस ऐसे भी आए हैं जो कि कहते हैं कि गुरुजी पहले ही दिन से वो जो है मेरे मुझसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं, और जो मेरा परिवार टूटने वाला था वो बच गया है, और न जाने किस किस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। तो जो भी चाहता है कि वो अपने परिवार को बचा कर रखे किसी भी बुरी नज़र से, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन आ गया हो, तो उस समय इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही तीव्र लगने वाला मंत्र है, और ये मेरी डायरी में मैंने संजो कर रखा हुआ है। और इस मंत्र की सावधानियाँ सुन लीजिएगा। जब आप इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू करें, उस काल में आपको बिल्कुल सात्विक रहना है। जैसे अगर आप अभी इसकी साधना शुरू करेंगे तो आपको कम से कम 2-3 महीने सात्विक रहना है। मैं तो कहूँगा पूरी उम्र रहिए, किसी भी मांस, मदिरा, मछली, किसी का भी भक्षण ना करें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देंगे। आपको सात्विक रहना है और उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग करना है। दूसरा है, आपको किसी भी तरह के मादक पदार्थ का प्रयोग नहीं करना है। दारू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, यदि आप पीते हैं या आप सेवन करते हैं, उसके बिना नहीं रह सकते, तो इन विद्याओं का प्रयोग ना कीजिएगा, ये फिर आपके लिए नहीं बनी है। फिर आपको मुझसे संपर्क करना होगा और ये मैं आपको करके दूंगा, वरना ये जो चीज़ें हैं ये उल्टी भी हो सकती हैं। चेतावनी है यहाँ पर, जो भी मादक पदार्थ यूज़ करते हैं, जो बीड़ी, गुटखा, सिगरेट पीते हैं, वो इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जो है ये रिवर्स भी हो जाता है, अच्छे की जगह आपको बुरे परिणाम भी दे सकता है अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सोल, जो आपकी आत्मा है, उसकी शुद्धता देखी जाती है। यदि शुद्धता नहीं है तो प्रभु जो हैं वो इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। जिसकी सोल पवित्र होगी उसके असर भी 1-2 दिन में ही दिख जाते हैं। तो इसमें चमत्कार ना मंत्र का होता है ना किसी का, बस आपकी जो भीतर के विचार होते हैं, जो आप अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं, जैसी आपकी नीति होती है, जैसी आपकी आत्मा होती है, वो शुद्ध होनी चाहिए, और उसके बाद चमत्कार होते हैं। आप कभी भी जब किसी मंत्र का प्रयोग करना शुरू करें तो उस काल में आपको शुद्ध रहना होता है। या तो इस साधना को करिए ही मत, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो उस काल में शुद्ध रहिए, इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। दूसरा है, आपको आसन, आहार, ये सब देखकर फिर इसका प्रयोग कीजिएगा। आसन आपका रहेगा लाल कलर का, और सिर को ढकने के लिए भी आपको लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। अगर मृग चर्म मिल पाए तो उसका आसन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर वो ना हो तो कोई भी ऊनी आसन लाल रंग में बिछा लीजिए। मतलब जितना हो सके लाल रंग आपको इसमें प्रयोग करना है। लाल रंग के प्रयोग के बाद टीका लगाइएगा और दीपक जलाकर अग्नि को साक्षी मानकर फिर इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा, तो आपकी जितने भी दुखड़े हैं उन सबको ये हर लेगा।
और ये इतना चमत्कारी है कि आप आज करोगे तो कल आपको इसका असर दिख जाएगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो 9998416625 पर।